आज कम से कम 3 महीने बाद मैं स्टॉक पेंशन जा रहा हूँ और मेरे पास एक पैसा नहीं बचा क्योंकि सारे पैसे उठ गए। कोई बात नहीं है, अपने पास पूरा स्टॉक पेंशन है, इतने सारे आई मैन के सूट हैं, बहुत अमीर हूँ मैं। लेकिन फिलहाल गाइज मैं पुअर हूँ, मेरा टैग भी देखिए पुअर पड़ा है। कोई नहीं, एक मिनट, मेरे स्टॉक पेंशन में जाने के बाद ये क्या हो गया? आओ टोनी स्टॉक आओ। अरे हल्क को बचा, स्टॉक बचा, ये क्या? अवेंजर्स को कब्जे में ले लिया गया है, वो भी रेड हल्क की आर्मी के द्वारा। और रेड हल्क एक मिनट, तेरे पास इतना बड़ा सूट कैसे आ गया? अरे ये क्या हो गया तुम लोगों को? हमें बचा ले, हम सब के सब फंस गए यहाँ पर। उठिन की कसम, हमें बचाओ स्टॉक। ये क्या चल रहा है गाइस? रेड हल्क कितनी बड़ी आर्मी, अब तू गरीब है टोनी स्टॉक, और तेरे अवेंजर्स भी, मैं जल्दी तुम सबको बेच दूंगा। मैं हूँ अल्ट्रा गॉड रिच। क्या गाइस, ये अल्ट्रा गॉड रिच बन गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ए चुपचाप यहाँ पर सारा पैसा मुझे दे दे, ये मेरा पैसा नहीं, अब ये मेरा पैसा है। नहीं 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 गाइस, कोई प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, मुझे मदद चाहिए। मैं यहाँ पर पुअर हूँ और ये अल्ट्रा गॉड रिच है। कितना बुरी तरह से इसने मुझे मारा, क्या ही मारा, मैं उसको चलता हूँ यहाँ पर। अरे गाइस मुझे यहाँ पर किसी की मदद लेनी होगी, मैं फ्रैंकलिन के पास जाता हूँ गाइस, फ्रैंकलिन मेरी मदद करेगा। ये क्या हो गया मेरे साथ यार, मैं तो गरीब का गरीब रह गया, मुझे अवेंजर्स को भी बचाना है, मुझे जल्दी करना होगा। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन कहाँ है? जल्दी जल्दी सफाई कीजिए। हाँ, आज आपने कुछ भी नहीं किया। कर तो रहा हूँ यार, मार क्यों रहा है तू? कलवे के साथ ही होना चाहिए, ये क्या चल रहा है गाइस? ए फ्रैंकलिन प्लीज यार, मुझे तेरी मदद चाहिए। कहाँ से यार, मुझे खुद मदद चाहिए, उसने मुझे गुलाम रखा है। सिंचन भाई, हम बस अभी 2 मिनट मारे हैं, प्लीज। ठीक है, जल्दी आइएगा। हाँ, वरना आपसे भी सफाई करा लूंगा। ठीक है भाई, अभी आते हैं। फ्रैंकलिन जल्दी मेरी बात सुन यार, फ्रैंकलिन जल्दी सही तरह, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। क्या हो गया भाई, तू इतना ज्यादा होपलेस क्यों हो रहा है? क्योंकि यार पूरे के पूरे स्टॉक मैंसर पे कब्जा कर लिया गया है। वैसे तू था कहां पर? मैं 3 महीने के लिए छुट्टियों पे गया था और मैं गरीब बन गया इन 3 महीने की वजह से। देख, अवेंजर्स को भी कब्जे में ले लिया, थॉर तो बेहोश हो गया रो रोकर, स्पाइडरमैन के भी हाल बुरे हैं। और यहाँ पर एक मिनट, रेड हल्क का बड़ा वाला सूट का क्या? क्या बड़ा वाला सूट से क्या मतलब? अरे उसके पास एक 300 जायंट सूट है। तू झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सच बोल रहा हूँ यार गाइस, कमेंट में जरा यस लिखो, इसको यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है गाइस, कोई बड़ा सा रेड हल्क का सूट कैसे हो सकता है, वो तो नॉर्मल होगा ना। नहीं गाइस, कमेंट में यस लिखो ना, प्लीज वीडियो को लाइक करो। एक मिनट, अरे हाँ स्टॉक तो सही बोला था, अरे वो जल्दी जाता हूँ सारा सोना लेकर। ये मेरा सोना लेकर कहाँ जा रहा है फ्रैंकलिन? देख मैंने बोला था ना। हाँ यार स्टॉक तू सही कह रहा था, इतना बड़ा सूट कहाँ से आया? लेकिन वो इतना सोना लेके कहाँ जा रहा है? जरूर कुछ ना कुछ खरीदने जा रहा होगा। एक मिनट, ये क्या है भाई, ये तो इतने बड़े बड़े सूटों की दुकान है। अरे जल्दी बताइए मिक्सर, अरे बच्चा इतने मदद रखो, 300 दादू हल्का रेड हल्क सूट मिल सकता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आयरन मैन की व्हाइट हल्क की फैमिली खरीद लूंगा। क्या आयरन मैन की व्हाइट हल्क की फैमिली? एक मिनट, ये तो आयरन मैन की फैमिली है। बिल्कुल फ्रैंकलिन, ये जरूर इस आयरन मैन के सूट को हल्क बनाना चाह रहा होगा, इन सूट को खरीदने वाला है। फ्रैंकलिन इससे पहले ये खरीदे सभी सूट को, हम खरीदेंगे व्हाइट आयरन मैन के सारे सूट को। लेकिन भाई पैसे तो नहीं है। मजा ही आ गया, देख फ्रैंकलिन वो 3-हेडेड जायंट रेड हल्क दद्दू बन चुका है, उसके पास एक से एक सूट है, उसके पास मेरा पैसा है, हम क्या करें? हमें वो सूट चाहिए। मिक्सेट, मिक्सेट मेरी बात सुनो। अरे बच्चा मैं इधर हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें वो सूट चाहिए। यार मिक्सेट प्लीज, वो व्हाइट आयरन मैन का सूट हमें दे दो, जितने भी है। अरे बच्चा वो अल्ट्रा गॉड रिच लेवल का बंदा ही ले सकता है, तुम तो पुअर हो, निकलो यहाँ से। ऐसा मत कहो यार, हम तुम्हें सारे पैसे दे देंगे, बस हमें स्टॉक मैन से वापस ये एवेंजर्स को बचाना है और मेरी गरीबी को दूर करना है। गाइस ये ऐसे नहीं मानेगा, चल यहाँ से स्टॉक, हमें पैसे कमाने पड़ेंगे। बात तो तू सही कह रहा है फ्रैंकलिन, जल्दी चलते हैं। एक मिनट, किसका कॉल है? फ्रैंकलिन भैया, घर में आग लगी, बचाइए, हम मर जाएंगे। क्या हो गया? हेलो हेलो, जवाब दे चंचन, प्लीज जवाब दे। टोनी स्टॉक वो जवाब नहीं दे रहा है। क्या हो गया फ्रैंकलिन? अरे आग लगी है, वो बोल रहा है ओह नो, मेरे घर पर आग लगी है दोस्तों। ये क्या यार सिंचन, अरे गाइस सिंचन का और चोप का क्या होगा? फ्रैंकलिन चिंता मत कर, मैं अपने ड्रोन से चेक करता हूँ, मेरे पास ये बस ये आखिरी ड्रोन ही बचा यार। फ्रैंकलिन भैया बचा, बाबा चलो फ्रैंकलिन बचा ले। गाइस मेरे सिंचन और चोप घर में फंसे हुए हैं, प्लीज इनके लिए वीडियो लाइक करो, अगर नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब। मैं आ रहा हूँ। अबे पागल हो गया फ्रैंकलिन, तू जल जाएगा ऐसे। मजा नहीं स्टॉक, मुझे जाने दे, मुझे बचाने। फ्रैंकलिन नहीं मजा, गाइस मुझे उनको बचाना ही पड़ेगा। वो बीच किसने आग लगाई, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले चाहता हूँ, एक मिनट, इतनी पूरी आग चारों तरफ गाइस आ गया है। सिंचन चॉप, मैं आ रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया आप इसे चल जाएंगे? चल भी क्या रहे ये क्या गाइस, कमेंट में प्लीज फ्रैंकलिन ओपन लिखो, मैं तो मर जाऊंगा, मैं गरीब होकर नहीं मरना चाहता, मेरे को अमीर भी बनना है। फ्रैंकलिन बाहर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ गाइस, अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे जल्द से जल्द मेरी फैमिली को बचाना होगा। स्टॉक हमें एक फायर ब्रिगेड चाहिए। ये बात तो सही कह रहा है, लेकिन कहाँ मिलेगी? कहीं भी मिले, जल्दी चल ढूंढते हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन जल्दी चल, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल जल्दी जाता हूँ गाइस, एक फायर ब्रिगेड मिल जाए तो मजा आ जाए।
जाएगा, एक मिनट पूरे। भैया मजा आ गया, लंच का टाइम है आज, तो किसी को नहीं बुलाएंगे, किसी की आग ना बुझाएंगे, मजे करेंगे। सही बोल रहे हो बरकरदार। गाइस ये कितने बुरे ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी की मदद नहीं करेंगे। खैर कोई नहीं, मेरे स्टॉक ही काफी है। तो गाड़ी आगे भगा, मुझे मन ट्रक ट्राली, अबे मैं गोली मारो। चुपचाप नहीं रहो समझे, वरना मारूंगा तुमको। ये लो ये लो ये लो, जल्दी कर लो। अरे ना 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 कर, ये क्या कर दिया, बाप रे। चल फ्रैंकलिन जल्दी कर जल्दी कर, कम ऑन। जा रहा हूं। ऑलराइट गाइस, अभी जल्दी से पूरे घर की आग को बुझाना पड़ेगा। ओके यहां पर ये मार स्टार्ट करो, जल्दी 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 कर रहा हूं फ्रैंकलिन, कर रहा हूं पूरे के पूरे हमारे घर को, हमें पूरा का पूरा। ये फ्रैंकलिन उधर साइड ले। कर रहा हूं। ओके गाइस देखिए, यहां पर आग बुझना स्टार्ट हो गई, कर दिया हमने। लेकिन एक मिनट सिंचन, चुप, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है। स्टार्क फ्रैंकलिन घबरा मत, वो ठीक होंगे, बस बेहोश हो गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे यार क्या हो गया उनको? ओह नो, पूरे घर के शीशे टूट चुके हैं। मैं अपनी बचाओ, बवाल साहब बचा लो। अरे गाइस तुम लोग बच गए। ओके गाइस फाइनली मैंने अपनी फैमिली को बचा लिया, घर की हालत बिगड़ गई और मैं तो और गरीब से भी गरीब हो गया। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं। थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन भैया मुझे बचाने के लिए, ये लीजिए जितने भी पैसे हैं। क्या सिंचन ने मुझे पैसे दिए? मुझे यकीन नहीं हो रहा है स्टार्क, ये सपना तो नहीं है। गाइस अगर ये हकीकत है तो कमेंट में यस लिखो यार, सिंचन ने पैसे दिए। अरे बच्चा क्या हो गया? कुछ नहीं सर, इतने में कुछ मिलेगा, इतना में तुमको ये मिलेगा। क्या क्या है वो फ्रैंकलिन देखियो। अरे फ्रैंकलिन तूने पहन लिया यार, मुझे पहना था। कोई नहीं, अभी तो मैंने पहन लिया। गाइस मुझे मार्क 1 व्हाइट डायमंड का सूट मिल गया। स्टार्क यार अभी हमें स्टार्क मेंसर को भी तो बचाना है। बिल्कुल यार, अवेंजर्स को भी बचाना है। लेकिन एक मिनट मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये क्या कर रहा? हां तो ऐसा करनी होगी। ठीक है मालिक, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। जी बिल्कुल मालिक, लगता है ये किसी तरह की कोई कथा। एक मिनट, ये क्या सब बिच गए, मैं ही रह गया, मेरा को मत बेचना। क्या नहीं, उसने सारे अवेंजर्स को बेच दिया फ्रैंकलिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाना पड़ेगा। गाइस अगर मुझे कोई ऐसा वेपन मिल जाए जिसके इस्तेमाल से मैं यहाँ पर रेड हल्क की उसकी आर्मी को हरा दूं। नहीं गाइस यार, रेड हल्क को हराना इतना आसान नहीं है। आइडिया, सबसे पहले मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को यहीं से निकाल लेता हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज मेरी बात सुन। मेरे कान गूंज रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे स्टार्क मुझे बुला रहा हो। अरे यार सच में बुला रहा हूँ बुद्धू। यार ये जाल नहीं टूट रहा, कम ऑन। अरे किसकी आवाज आई? एक मिनट देखनी होगी। यार स्टॉक चाचा आ गए। अरे बाप रे, ये क्या? अबे डॉक्टर से फंसवा दिया, फिर से लगता है जैसे कोई स्टॉक को पीट रहा हो। अबे सच में पीट रहा? नहीं ये तो सच में पीट रहा। हटो यहां से बेवकूफो, तुम्हें किसने एवेंजर बना दिया? मुआ की कसम, मजा आ गई पीट के इनको। अरे गाइस ये क्या, रेड हल्क के चेले ने तो यहां पर टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लिया। अभी मुझे कंट करना होगा। देखिए यहां पर बेचारा स्टॉक इस डॉक्टर स्ट्रेंज के चक्कर में फंस गया। खैर कोई नहीं, मेरे ही दोस्त है, मुझे बचाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं रेड हल्क के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर देता हूँ। रेड हल्क, रेड हल्क मैं यहाँ पर सरेंडर करने आया हूँ। अरे कीड़ा ये क्या पहन लिया तूने? तुझे पता है मैं अवेंजर्स को बेचने जा रहा हूँ। लेकिन अवेंजर्स है ना? तुझे क्या मतलब, तू तो यहाँ पर सरेंडर करने आया। चलो मेरे चेलो, इसको भी जेल में डाल दो। ठीक है बस, चल रहा है, तेरे को जेल में डाल देते हैं। अरे गाइस यार चलो, अब भी देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। जैसे ही ये जाल खोलेगा मुझे जेल में डालने के लिए, मैं डॉक्टर स्ट्रेंजर टोनी स्टार्क को लेके भाग जाऊंगा। टोनी स्टार्क जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। कैसे निकले, ये हमको पकड़ के बैठे। अरे यार टाइम नहीं है, जल्दी भागो। बिल्कुल फ्रैंकलिन, लेकिन टांग में दर्द है मेरी में। अरे बाप रे क्या कर रहा है तू? कोई बात नहीं है, तुम लोग नहीं भाग सकते लेकिन मैं तो भाग सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास आयरन का सूट है। भागो भागो भागो। अरे रुक जा, छोड़ूंगा नहीं। गाइस चलो, डॉक्टर स्ट्रेंज को और टोनी स्टार्क को तो बचा लिया फाइनली। फ्रैंकलिन यार अब हम क्या करें, उसने हमारे एवेंजर्स को बेच दिया। नहीं नहीं, उसने बेचा नहीं है, वो बेचने वाला ऐसा बोल रहा था। मैं काम करता हूँ, कुछ पैसे चुरा कर तुम्हें देता हूँ कहीं से, मेरे पास कम जादू पड़ा है, बस इतने चुरा पाया। क्या बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्ट्रेंज। हालांकि चोरी के पैसे हैं लेकिन फिलहाल बहुत काम आएंगे, जल्दी से चलते हैं और जाकर दोस्तों इस वाले पैसे से कोई बढ़िया सूट खरीदेंगे। अरे बाप रे क्यों मारता है मुझे? अरे सॉरी गलती से लग गई। हाँ तो बच्चा ये तो 10 मिलियन है, इतने मात्र को मार्क 50 मिलेगी। इस बार फ्रैंकलिन मैं पहनूंगा इस सूट को। ये क्या बात है फ्रैंकलिन, देख मैं तो उड़ भी सकता हूँ। अब स्टॉक जल्दी चल। चल रहा हूँ। गाइस हमें किसी भी हालत में यहाँ पर रेड हल्क से पता लगाना ही होगा कि हमारी फैमिली कहाँ पर है। मैंने बहुत कोशिश की अपने जादू इस्तेमाल करने की लेकिन मेरे पास जादू नहीं है। ये देखो मेरा कडावरा तीतीमान पड़ा, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे लिए तुम अंडा लेकर आओ डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए। अंडा? ओ माय गॉड, वो तो स्टॉक मेंसर में मिलेगा। जल्दी चल फ्रैंकलिन, हमें अंडा ला। ये क्या यार, यहाँ पर तो रेड हल्क है बहुत सारे। अरे वो तो होंगे ही ना, लेकिन इनका बॉस नहीं दिख रहा, वो जरूर मेरे एवेंजर्स को बेचने गया होगा। अरे बाप रे तुझे कटा बटा, देखा तूने फ्रैंकलिन, ये सब के सब पिटेंगे, मेरे एवेंजर्स को मैं बचा कर रहूंगा, लेकिन पहले यहाँ पर तुमको पीटता हूँ। गाइस यहाँ पर तो, अरे बाप रे, यला मैं तेरी बहन बचा दूंगा।
नहीं, मुझे स्टॉक को बचाना पड़ेगा। ये ले, फाइनली स्टॉक तो ठीक तो है। नो, स्टॉक कुछ बोल नहीं रहा है। प्लीज यार स्टॉक ऐसा मत कर। रंगले मैं देखो चिंता मत कर, मैंने सूट पहना हुआ है। फिलहाल हम रिच तो बनी चुके हैं और ये सारा का सारा गोल्ड में लेंगे। लेकिन एक मिनट, अंडा। अरे हाँ यार, इसी के लिए तो आया था मैं। जल्दी जाता हूँ, मुझे अंडा ढूंढना होगा। अरे गाइस देखिए, ये है वो स्पेशल अंडा जिसके इस्तेमाल से डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद वो जरूर हमें ये चेक करके बता देगा कि असल में अवेंजर्स को कहाँ ले जाया गया है उनको बेचने के लिए। मैं अपने अवेंजर्स को भी बचाऊंगा और वापस से अल्ट्रा गॉड रिच बन कर रहूंगा। जल्दी चलते हैं स्टॉक, इतने सोने में क्या होगा? वो तो हमें मिक्सेट ही बताएगा इतने सोने में हमें क्या मिलने वाला है। मिक्सेट ये लीजिए, आपके लिए इस बार $40 million लेके आए। और वाह बच्चा लोग, इतने में तुमको व्हाइट अल्ट्रॉन का सूट मिलेगा, आयरन मैन वाला। क्या? ओके, ये वाला सूट मैंने पहन लिया। ओके गाइस, पुराना वाला सूट मिक्सेट नहीं रख रहा है, वो बोल रहा है कि असल में उसको और बेटर बना देगा। खैर ये देखिए मैं क्या उड़ पा रहा हूँ। वाह फ्रैंकलिन, तेरे पास तो मुझसे बेटर सूट आ गया, क्योंकि अभी हम अल्ट्रा रिच तो बन चुके हैं। ऑलराइट गाइस, अब जल्दी से अंडा लेकर चलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। बिल्कुल फ्रैंकलिन, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बता देगा कि असल में हमारे प्यारे एवेंजर्स को कहां पर रखा है उस रेडल ने। उसके बाद दोस्तों हम अल्ट्रा गॉड रिच भी बनेंगे। आगे तुम लोग अंडा लेकर यहां पर का डाब रहा है, जादू काम कर जा, ये जादू काम कर रहा है। गाइस बाकी आपने वीडियो लाइक ना किया तो प्लीज कर देना, उससे मैं जल्द से जल्द पता लग जाएगा एवेंजर्स कहां पर छुपे हैं। बिल्कुल सही कहा, लाइक सब्सक्राइब बहुत काम करेंगे। मैं देख पा रहा हूं थोर लहंगा नहीं मतलब ढोर रो रहा है, और यहाँ पर रेडल्क ब्लैक रिवेंजर से डील कर रहा है पैसों की, जिससे कि ब्लैक रिवेंजर्स अवेंजर्स को गुलाम बना ले। हल्क भी रो रहा है। ओ माय गॉड, लेकिन वो है कहाँ पर? वो नॉर्थ यंगटन है। नॉर्थ यंगटन, फ्रैंकलिन हमें अभी चलना होगा। चल रहा हूँ। ओके गाइस, मैं और टोनी स्टार्क पूरी स्पीड में नॉर्थ यंगटन की तरफ निकल रहे हैं। ओके गाइस, यहाँ पर रेडल्क है। रेडल्क ही नहीं है भाई, ब्लैक रिवेंजर भी है। इसका मतलब हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। बताओ बार घोरदार कितना दोगे? मैं इनके लिए 100 मिलियन लेके आऊं? नहीं, 200 मिलियन चाहिए। 200 मिलियन डॉलर में अवेंजर्स को खरीद रहे हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि यहाँ पर अवेंजर्स की कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर में होनी चाहिए, समझे तुम? अरे बाप रे, हल्क को तू बेचना चाहता है टोनी स्टार्क? ऐसी बात रही है, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि ये पैसे कम है। बाकी ये तुम्हारे हिम्मत लड़ो मुझसे। फ्रैंकलिन, मैं लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके पीछे लेके जा रहा हूँ, तू बाकी अवेंजर्स को निकाल के यहाँ से बचा। अरे अरे, तू हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा? अरे बाप रे फ्रैंकलिन, जल्दी कर रहा हूँ। स्पाइडरमैन और थॉर जल्दी निकल जाए। हल्क भाग जाएगा, बर्गर खाएगा, 300 बर्गर खाएगा। ये शर्म कर लेता कहता है। ये मारा फ्रैंकलिन तूने, क्या बात है, मार इनको। मार रहा हूं। अरे बाप रे, मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो खरीदने आया हूं। यहां बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों पिटेंगे। ऑलराइट गाइस, मैंने और स्टॉक ने हरा दिया है रेडल्क की आर्मी को। क्या बात है, अभी जैसे ही सोना हमारे पास आ गया हम यहां पर गॉड अल्ट्रा रिच बन गए, और सारे सोने को 3 घंटे में हम मिक्सेट के पास लेकर आ गए। ओके मिक्सेट, अभी क्या मिलेगा? अभी तुमको वो जायंट वाला आर्मन का सूट मिलेगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें सारे सूट देने होंगे। ले लो, सब ले लो। ऑल राइट गाइस, ये व्हाइट वायरमैन का सूट तो मैं पहनूंगा। वाह फ्रैंकलिन, इसको तो मैंने पहन लिया। क्या बात है गाइस, मैं और टोनी स्टार्क दोनों यहां पर गॉड अल्ट्रा रिच बन चुके हैं। क्या ही बात है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, और बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे